So hello everyone. आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी पुलाव. और लौकी को ज़्यादातर लोग खाना नहीं चाहते क्योंकि इसको बनाना नहीं जानते. तो मैं आज लौकी को बना के दिखाऊंगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा. तो आप देखते रहिए. पहले मैं सिल्को को अच्छे से निकालूंगी. मैंने छिलका निकाल लिया है. अब मैं इसको कट करूंगी. वॉइस ओवरिंग के वक्त बेबी बहुत शोर कर रहा था. मैंने कद्दू को ऐसे कट किया है. और ये मछली जो कद्दू के साथ बनने वाली है, ये हमारे भाषा में पोरोम बोलते हैं. बंगाली में इसको चित्तौल बोलते हैं कि या पता नहीं, आप लोगों को पता है तो बताइए. और हम इससे बना रहे हैं बहुत ही टेस्ट. अच्छा, ये मसाले जो मैंने तैयार किए, अदरक लहसुन और काली मिर्च, लौंग, एक गर्म मसाले के टुकड़े, दालचीनी का टुकड़ा, हरी मिर्च, सभी हम पाँचफोरन डाले हैं. इस मसालों को डाल दिया और अच्छे से भून लेंगे. उसके बाद डालेंगे हल्दी, जीरा भी अभी डाल दिया था मैंने. और ये है सरसों साग, सरसों के पत्ते नहीं, राई के पत्ते. और हमने अच्छे से इसको मिला दिया है. इसको ढक ढक के पकाना है और बाद में देखना, थोड़ी देर बाद देखना है, देख के इसे मिला देना है. और राई के पत्तों को भी हम अभी डाल देंगे. इससे कद्दू में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है. और हमने धनिया पत्ता भी डाल दिया है. मैंने कद्दू को बहुत टाइम पकाया था. पकाने के बाद कद्दू से जो निकला पानी था वो मैंने सुखाया है अच्छे से. उसके बाद मैंने मछली डाली और 5 मिनट पकाया. और पानी मैंने ज़्यादा नहीं दिया, सिर्फ 1 ग्लास का आधा दिया था. कद्दू में पानी कम देने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत टेस्टी होता है. और राई के पत्ते डालने से और भी ज़्यादा टेस्टी होता है. हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है. अभी सर्व करने के लिए रेडी है हमारा कद्दू. कद्दू या लौकी बोलते हैं पता. सादर लाऊ बनाई लम बोले बोई रागी. ओ सादर लाऊ लावे रागा खाई लम दूगा खाई लम दूधी बनाई लम दूध दूगी. हमी लाऊदी बनाई लम दूध दूगी. ओ सादर लाऊ बनाई लम बोले बोई रागी. सो थैंक यू एवरीवन हमारे चैनल को देखने के लिए. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. और thank you.